बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसकी वजह से पुलिस इन दिनों काफी सख्त हो गई है और साथ ही शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक को पकड़ लिया है, जिसमें करीब 25 लाख रुपए की शराब थी, जिसे जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी मात्रा में शराब की खेप को यहां खपाने की तैयारी की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद किया है। इस मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई किया है और इस मामले में सकरा थाना क्षेत्र के गन्नीपुर बेजा पंचायत के पास मेहसी गांव के पास, जो कि हाजीपुर बॉर्डर एरिया में अवस्थित है, वहां से जब्त किया है और वही शराब का तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसको लेकर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जब्त शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपया है। पुलिस शराब की कीमत का आकलन करने में जुटी हुई है। यह सकरा थाना क्षेत्र में एक पंजाब नंबर की ट्रक है, उससे शराब बरामद हुआ है। कहाँ से ये बरामद हुई है? मेहसी गांव है, सकरा थाना अंतर्गत हाजीपुर बॉर्डर पे गन्नीपुर बेजा के निकट मेहसी गांव है। मेहसी गांव से ये शराब, ये ट्रक बरामद हुआ है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी? गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम लोग शराब जो है उसकी काउंटिंग करवा रहे हैं, कितना बोतल शराब है, कितना कार्टून शराब है, इसकी काउंटिंग करवा रहे हैं।